मेरा वोट मेरा देश। श्रोताओं, लोकतंत्र का महापर्व पूरे देश में इस समय मनाया जा रहा है। भारतीय लोकतंत्र में मतदान का महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये नागरिकों को सरकार के निर्माण में सीधे भागीदारी का अवसर प्रदान करता है। एक एक वोट से चुनाव परिणाम में बड़ा परिवर्तन आ सकता है, इसलिए मतदान हमें जरूर करना चाहिए। वोट करो, मतदान करो, मतदान करो सब लोग। 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 मतदान हमें बदलाव का भी मौका देता है, वहीं ये देशभक्ति का जज्बा भी प्रदर्शित करता है। मतदान करने से नागरिकों का देश के प्रति प्यार और समर्पण प्रकट होता है। इससे मालूम चलता है कि आप अपने देश के विकास के लिए कितने तत्पर हैं। मतदान करने से हमारे लोकतंत्र को भी बल मिलता है और ये नागरिकों को अपने अधिकारों का प्रयोग करने का अवसर देता है। इस तरह से मतदान न केवल एक अधिकार है बल्कि एक जिम्मेदारी भी है, जो लोकतंत्र की नींव को मजबूत करती है। इसलिए ये आवश्यक है कि हर नागरिक मतदान करे और देश के भविष्य को आकार देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। मतदान के दौरान नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा भी कई बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग का सक्षम ECI एप्लीकेशन है, उसके द्वारा दिव्यांग मतदाताओं को भी कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके जरिए मतदाता सूची में नाम जोड़ना, उसमें संशोधन करना, नाम हटाना जैसी सुविधाएं एप्लीकेशन के माध्यम से की जा सकती हैं। साथ ही अगर वो वोट डालने जाते हैं तो अपने के लिए व्हीलचेयर और परिवहन की सुविधा के लिए रिक्वेस्ट भी इस एप्लीकेशन के द्वारा डाल सकते हैं। चिन्हित दिव्यांग मतदाताओं को वॉलंटियर्स की सुविधा भी दी जाएगी। वहीं चुनाव आयोग का यह भी कहना है कि दृष्टिहीन मतदाताओं के लिए ब्रेल लिपि में वोटर गाइड, ब्रेल वोटर स्लिप, डमी EVM बैलेट यूनिट में ब्रेल लिपि की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। सबका अधिकार है ये, सबका सम्मान है ये, करना मतदान है ये, ओ हो, आया चुनाव है ये, जाना हम साथ है ये, करना मतदान है ये। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान सतर्क नागरिक बनने के लिए आप CVIGIL एप्लीकेशन का उपयोग भी कर सकते हैं। यह एप्लीकेशन चुनाव आयोग द्वारा तैयार किया गया है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत आप CVIGIL ऐप पर दर्ज कर सकते हैं और बहुत जल्द इस पर कार्रवाई चुनाव आयोग द्वारा की जाएगी। अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन, पेड न्यूज, मतदाता परिवहन, संपत्ति विरूपण, शराब और नशीली दवाओं का वितरण, सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाले भाषण, मुफ्त वितरण, फर्जी समाचार, धन वितरण या धमकी देना जैसी बातों की शिकायत आप CVIGIL मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से चुनाव आयोग तक कर सकते हैं। वहीं चुनाव आयोग द्वारा नो योर कैंडिडेट यानी कि KYC एप्लीकेशन भी तैयार किया गया है। ये एप्लीकेशन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित एक मोबाइल एप्लीकेशन है, जो नागरिकों को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास के बारे में जानने में मदद करता है। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। KYC एप्लीकेशन का उपयोग करने के लिए मतदाताओं को नामांकन की सूची देखने के लिए चुनाव प्रकार और AC या PC नाम का चयन करना होगा, या वो उम्मीदवार को नाम से भी खोज सकते हैं। इसके बाद अगर उम्मीदवार का आपराधिक इतिहास होगा तो उसके संबंध में भी इस मोबाइल एप्लीकेशन पर मतदाताओं को जानकारी मिल जाएगी। और आइए अब सुनते हैं कुछ जागरूक मतदाताओं के संदेश। भाई
आप सभी आकाशवाणी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कृति विजयवार है और आज मैं आप सभी से वोटिंग अवेयरनेस पर चर्चा करना चाहती हूँ। जन जन को जागरूक और शिक्षित बनाना है, सही नेता चुनने के लिए मतदाता को जगाना है। देश को विकसित करने के लिए एक अच्छी सरकार की आवश्यकता होती है। सरकार किसकी होगी या जनता चुनती है। देश को विकसित करने के लिए चुनाव के दौरान सभी मतदाताओं का फर्ज होता है कि वे वोट डालने अवश्य जाए। जब मतदाता वोट डालने जाए तब सोच समझकर एक अच्छे नेता को वोट डालें, क्योंकि जब जनता के द्वारा अच्छी सरकार चुनी जाती है तब देश का विकास और नागरिक का विकास किया जाता है। इसलिए हम सभी का एक एक वोट बहुत कीमती है। अपने वोट की कीमत समझकर हम सभी को वोट डालने जाना चाहिए। धन्यवाद। मित्रों, मेरा नाम रोहित शुक्ला है और मैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का एक जागरूक मतदाता हूँ। मित्रों, भारत दुनिया का सबसे व्यापक लोकतंत्र है और लोकतंत्र का यह पर्व मतदान से ही पूरा किया जा सकता है। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान की प्रक्रिया को इतना सुलभ बना दिया है कि हम घर बैठे ही अपने मोबाइल से इलेक्शन कैंडिडेट्स की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उनमें से जो कैंडिडेट्स या पार्टी राष्ट्रहित में सही है उसके पक्ष में मतदान कर सकते हैं। मित्रों, कुछ लोग कहते हैं कि वोट डालना जरूरी नहीं है और वह वोट डालने नहीं जाते हैं और कहते हैं कि एक वोट से होता क्या है, लेकिन जिस प्रकार बूंद बूंद से घड़ा भरता है वैसे ही एक एक वोट से सरकार बनती है। इसलिए लोकतंत्र में प्रत्येक वोट का महत्व होता है, अतः सभी को मतदान करना चाहिए। लोकतंत्र में मतदान करने के साथ साथ यह भी अति आवश्यक है कि राष्ट्रहित की विचारधारा वाले कैंडिडेट अथवा पार्टी के पक्ष में सकारात्मक मतदान किया जाए। इसलिए मैं जाति धर्म की कुंठित मानसिकता से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में मतदान करता हूँ। मित्रों, लोकतंत्र जनता की, जनता द्वारा जनता के लिए सरकार है। अब्राहम लिंकन की इस उक्ति को केवल मतदान की प्रक्रिया से सक्रिय रूप से भाग लेकर ही साकार किया जा सकता है। मित्रों, मैं रोहित शुक्ला देश के सभी मतदाताओं से यह करबद्ध निवेदन करता हूं कि राष्ट्रहित में मतदान अवश्य करें, राष्ट्रहित में मतदान अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं केडी शुक्ला, मेरी तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग जरूर करें, जिससे हमारे गली, गांव व शहर का विकास हो सके। आने वाला लोकसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग करते हुए भावी भविष्य का निर्माण करने हेतु मतदान का प्रयोग जरूर करें, जिससे हमारा और हमारे राष्ट्र का विकास हो सके। धन्यवाद। नमस्कार, जैसा कि आपको पता है कि अभी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो हम सभी को वोट देने जाना है और वोट देना हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम सभी को वोट देने जाना चाहिए, वोट सभी को देना चाहिए। हमें एक मजबूत और सशक्त सरकार बनानी है। हमें एक ऐसा प्रत्याशी चुनना है जो हमारे क्षेत्र में आए, हमारे क्षेत्र का विकास करे और एक मजबूत सरकार प्रदान करे। जो सरकार हमारे विकास, हमारे क्षेत्र में विकास करे, हमारे देश में विकास करे, ऐसी सरकार हमें बनाना है। धन्यवाद। मैं अनूप कुमार आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि आइए लोकतंत्र के इस उत्सव को मनाते हैं, भरपूर मतदान करते हैं। अपने अच्छे बुरे भले का रखना है जी ध्यान, संविधान का, लोकतंत्र का रखना है जी मान। काम करे हम बाद में सारे, पहले इसको कर ले, आओ करते हैं सारे मिलकर अब मतदान। मतदाता हम तुरंत बनाए, अरे सहभागी बन हर चुनाव में फर्ज निभाए। अरे जागो रे जागो, अरे जागो रे जागो, अरे जागो रे जागो देश के मतदाता। अरे जागर जागा जागा देश के भैया, अरे जागर जागा। अरे किसान और फौजी
चुनाव आयोग द्वारा मतदाताओं की सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर 1950 भी जारी किया गया है। इस टोल फ्री नंबर के माध्यम से आप वोटर आईडी कार्ड के बारे में पता लगा सकते हैं, अपने फॉर्म से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपने मतदान केंद्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने लोकसभा क्षेत्र का भी पता लगा सकते हैं। एक बार फिर से सुन लें, टोल फ्री नंबर 1950 ये मतदाताओं की सुविधा के लिए चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया है। मेरा वोट मेरी पहचान, शत प्रतिशत करना है मतदान। मेरा वोट मेरा देश।